नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, समकक्ष आहर्ता की मीटिंग हुई और उसमें किन किन भर्तियों का रास्ता साफ हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग अब किन किन भर्तियों के विज्ञापन जारी कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट के लिए 18 तक आवेदन किए जा रहे हैं। तो जो छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय से कैंपस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्नातक किए हों या पर स्नातक किए हों, 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एलयू के अभियंत्रकी यानी कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संकाय के प्लेसमेंट सेल की ओर से विप्रो कैंप जेमिनी कंपनी में नौकरी के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से अच्छी जॉब भी मिल रही है। BBA, BCA, BCom, BA, BHM और BJMC स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे उसको देखिए, यहाँ पे लिखा है शैक्षिक आहर्ता के लिए हुई बैठक। शासन की ओर से बनाई गई शैक्षिक आहर्ता समकक्षता समिति की बैठक मंगलवार को LU में हुई। LU यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से निकाले गए पदों की समकक्षता पर निर्णय लिया गया। शासन की ओर से समिति LU BC आलोक कुमार राय के नेतृत्व में बनाई गई थी। LU रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में अब किन विषयों पर निर्णय, किन पदों पर निर्णय लिया गया वो बताया जा रहा है। यहाँ पे सहायक निदेशक, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, कुल सचिव, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, शोध अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक निदेशक सांख्यिकी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, औषधि निरीक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, ये UP SSC वाली वैकेंसी है, व्यायाम प्रशिक्षक एवं समीक्षा अधिकारी लेखा तथा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, इन पदों पर जो है निर्णय ले लिया गया है कि इनके समकक्ष आहर्ता किस में क्या रखा जाएगा। यानी कि ये वैकेंसीज जो हैं UP SSC से कुछ वैकेंसी निकलती हैं, कुछ वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलती है, जैसे कि कुल सचिव की वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकाली जाती है। तो इन वैकेंसीज पे अब निर्णय ले लिया गया है, इनका फाइनल कर दिया गया है और इसमें जो है अब विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगर हम बात करें LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की, तो इसके लिए जैसे कि विकी खान की टीम गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था और आगे भी उन्होंने प्लान किया है, उन लोगों ने कमर कस ली है। थोड़ा सा छात्रों को आगे आना पड़ेगा और संख्या बल के आधार पे ही जीत मिलती है। तो जो साथी लड़ रहे हैं इसके लिए कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी आए, उनका साथ देना भी ज़रूरी है। तो जो भी छात्र LT ग्रेड के विज्ञापन का और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी तो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास। बस इसी तरह की एक मीटिंग होनी है और समकक्ष आहर्ता तय हो जाना है। मुश्किल से एक दिन का काम है ये आहर्ता, एक बार तय हुई तुरंत उधर विज्ञापन निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।